हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में अनगिनत रूपों और प्राणियों का वर्णन है, जिन्हें हिंदू साहित्य में पौराणिक प्राणियां कहा जाता है। ये प्राणियां विभिन्न देवताओं और देवियों के साथ जुड़ी होती है और उनकी कहानियों में आती है। इन पौराणिक प्राणियों का वर्णन करते समय हमें हिंदू साहित्य में कई रहस्यमय और आध्यात्मिक तत्वों का पता चलता है। गरुड़। हिंदू मिथोलॉजी में गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और वह गरुड़ पुराण में भी विस्तार से वर्णित है। गरुड़ को अद्वितीय भक्त कहा जाता है और उसका श्रद्धा भक्त प्राणी होने के कारण उसे अमृत की प्राप्ति का अधिकारी माना जाता है। नाग। हिंदू पौराणिक कथाओं में नागों को भगवान शिव और विष्णु के भक्त माना जाता है। अनंत, वासुकी, शेषनाग, कुलिक आदि विभिन्न प्रकार के नागों का वर्णन है। यक्ष और राक्षस। हिंदू मिथोलॉजी में यक्ष और राक्षस दो विभिन्न प्रकार के प्राणियों को दर्शाते हैं। यक्ष आध्यात्मिकता, धर्म और नैतिकता के प्रतीक होते हैं, जबकि राक्षस अधर्म, अनैतिकता और उन्माद का प्रतीक हो सकते हैं। वानर। वानर समुद्र की खोज में भगवान राम के साथ जुड़े होते हैं और हनुमान जैसे महत्वपूर्ण वानर ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। किन्नर और किन्नरी। किन्नर और किन्नरी स्वर्गीय प्राणियों के रूप में हिंदू मिथोलॉजी में आते हैं और वे सुंदर और संगीतकार होते हैं। अश्वमेध यज्ञ के पशु। अश्वमेध यज्ञ के दौरान ब्रह्मा का रूप लेने वाले पशु को अश्वमेध पुरुष कहा जाता है और इसकी कथा महाभारत में मिलती है। अम्बरीश और जलधारा। अम्बरीश राजा अपने भक्ति और तपस्या के बल पर विष्णु की कृपा से जलधारा गंगा को बुला लेते हैं। गंधर्व और अप्सरा। गंधर्व और अप्सरा स्वर्ग में रहने वाले दिव्य प्राणियों को दर्शाते हैं, जो सुरम्य और सुंदरता के प्रतीक होते हैं। जादूगर और राक्षसी। हिंदू मिथोलॉजी में अनेक प्रकार के जादूगरों और राक्षसियों का वर्णन है, जो भक्षणीय, दुराचारी और असुरपंथी होते हैं। अक्ष। अक्ष सुषेण नामक असुर का एक सुदर्शन योद्धा था, जो रावण के साथ मित्र था। इन पौराणिक प्राणियों के वर्णन से हम देख सकते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी ने अपनी भूमिका में रहस्यमय, आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांतों को समाहित किया है।